दर्शन होंगे आगे बड़ी 20x20 की रथ को खींचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवानी दोबारा से आ गई है। का दिन ऐतिहासिक दिन है, भारत की संस्कृति है राम हमारा धर्म। पिंजौर शहर का नजारा है, पूरे ही शहर में, ये नहीं कि सिर्फ ट्राई सिटी के अंदर, भारत के कोने कोने में ऐसी सेलिब्रेशन चल रही है। हर जगह ढोल नगाड़े, ये भगवा देख रहे होंगे, गुब्बारे लगा दिए गए हैं, पूरी मार्केट सज चुकी है और हर तरफ ढोल नगाड़े चल रहे हैं। बहुत ही आज शुभ दिन है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है राम मंदिर की। बहुत ही हम सबको शुभकामनाएं देते हैं और ये जो रैली निकाल रहे हैं इनका भी जोश देखने वाला है। और यहाँ पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रैली निकल रही है जिसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। इस तरह के आप देखेंगे जो बैलून्स लगे हुए हैं चारों ओर, आप देखेंगे ऐसे ही खुशहाली भरा माहौल है, सब जगह ढोल नगाड़े चल रहे हैं। रोड की तरफ से मोड़ा जा रहा है, किसी को भी पंचकूला में जाने की अभी यहाँ से एंट्री मना कर दी गई है, किसी को भी यहाँ वाहन जाने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ इस तरह की पगड़ी भी लोगों ने पहनी हुई है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं रोड क्रॉस करके आ चुकी हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। बच्चों को कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या खास है आज? आज राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हाँ, कैसा खुशी का माहौल है? भरा हो रहा है। हाँ, खुशी का माहौल है, पटाखे चल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आज अयोध्या में? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज का दिन ऐसे सब लोग ऐसे बहुत बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। क्या बात है, हम मानते हैं कि ऐसा ही ऐसा दिन रोज आए, ऐसा दिन रोज नहीं साल में बार बार आए। जय श्री राम। जय श्री राम के दर्शन होंगे आगे बड़ी 20x20 की, ये अपनी भव्य प्रतिमा आ रही है 20x20 की। ये देखिए कितना उत्साह है लोगों के बीच में, यार पूरा दिवाली वाला माहौल हो चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि दिवाली दोबारा से आ गई है। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भारत की संस्कृति है राम हमारा धर्म, सनातन धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, ये पुरातन धर्म है। जल्द ही हम मथुरा में कन्हैया का भी मंदिर देखेंगे। क्या बात है, आज हमारा सपना साकार हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। हर किसी के साथ में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अब हर किसी के हाथ में ऐसा ही ध्वज देखेंगे। नाच गाना हो रहा है, पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब यहाँ पे रथ आएंगे और मैं कब उनके दर्शन करूँगी। फाइनली जो रथ यात्रा है वो काफ़ी आगे आ गई है, बहुत देर के बाद अब रथ यात्रा हमें देखने को मिलेगी और बहुत ही सुंदर गीत चल रहा है राम जी के नाम का, हर जगह सुमिरन हो रहा है। दिखा दूंगी, देखिए ड्रोन उड़ गया, ये लो जी ड्रोन उड़ गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
कोई शब्द नहीं रहा अब कहने के लिए, जैसे कि आपको मैं पूरे वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हाथों से रथ को चलाया जा रहा है, देखेंगे कि किस तरह से रथ को खींचा जा रहा है। ये देखिए पूरा बल लगाया जा रहा है। पूरे हाथों से बल लगाकर रथ को खींचा जा रहा है। ये देखिए पूरे इतने लोगों की टीम जो है रथ को खींच रही है। भगवान राम जी आ गए हैं। जय श्री राम।
पुलिस के द्वारा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और यहाँ देखिए क्रैकर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जो कि उड़े जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं हरियाणा और कालका की ओर से वो भी चल रही हैं, साथ साथ गाड़ियों के साथ रैली के साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था हमारे पिंजौर का शहर जहाँ पे कोने कोने में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली दोबारा से आ गई है जनवरी के महीने में। वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।